हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कमर कस ली है। बल्लभगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली बार हरियाणा चुनाव के समय जो लोग मुझसे कैप्टन के बारे में सवाल करते थे वो आज अपनी टीम को ही समेटने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल बाद हरियाणा सरकार के कैप्टन भी पूरी बुलंदी के साथ आपके सामने हैं और मजबूत टीम भी है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के समर्थक हरियाणा के लोगों को इसके फायदे समझाएं। पीएम मोदी ने कहा कि यह हरियाणा की पूरे देश की भावना थी कि जम्मू कश्मीर को अलगाव और हिंसा से निकालकर सद्भाव और सशक्तिकरण की तरफ ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास और विश्वास के एक नए रास्ते पर चल पड़े हैं। लड़ाकू विमान तेजस, राफेल, वन रैक वन पेंशन और 3 तलाक जैसे मुद्दों को लेकर भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में हो रहे हर सुधार के सामने, हर परिवर्तन के सामने कांग्रेस और उसके जैसे दल दीवार बनकर खड़े हो रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमान को लेकर इन्होंने लोकसभा के चुनाव के दौरान कैसी हुई तबाह बचाई थी, छाती पीट रहे थे छाती। इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था कि राफेल विमान से समझौता रद्द हो जाए, भारत में नया लड़ाकू विमान न आने पाए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि इन लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत को पहला लड़ाकू विमान सौंपा जा चुका है। भाइयों, पूरे देश की भावना थी कि जम्मू कश्मीर के अलगाव अहिंसा से निकालकर सद्भाव और सशक्तिकरण की तरफ ले जाया जाए। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास और विश्वास के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है और इसका श्रेय आप 130 करोड़ देशवासियों को जाता है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को जाता है कि आपने कमल पे बटन दबाया और मुझे ये ताकत मिली है आपके सपने पूरे करने की। देश के जिन वीर सपूतों के हाथ पहले की सरकारों ने, उनके जो हाथ बांध रखे थे, उन्हें भाजपा सरकार ने खुली छूट दे दी है। मोदी ने कह दिया है, आपको सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना, याद है ना, अरे बालाकोट का याद कीजिए, कैसे आतंकियों को घर में घुस करके मारा है।